नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं भाई के, एक भाई का कमेंट आया था कि भाई मैंने लिरिक्स तो लिख लिए लेकिन यार उसका म्यूजिक नहीं बना पा रहा। एक चीज़ मैं बताता हूँ मैं आपको स्टार्टिंग में, ये बात सबके साथ होती है ये चीज़, तो डिमोटिवेट मत होना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबके साथ होता है। स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि हमें अप्रोच नहीं पता होती, हमने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी होती, ठीक है। और 5 पॉइंट बताऊंगा भाई आज इस वीडियो में, अगर आप इन 5 पॉइंट को फॉलो करते हो तो 99.9% आप फिर उसके बाद स्टक हो ही नहीं सकते, आपका गाना बन जाएगा, म्यूजिक बन जाएगा आपका। ये चीज़ तुम्हारा भाई बोल रहा है, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले आपको अपने गाने की फील को जानना है। आपने गैंगस्टर लिरिक्स लिखे हैं, आपने लव सॉन्ग के लिए लिरिक्स लिखे हैं, ये चीज़ जानने के बाद ठीक है इजीली पता चल जाए आपने क्या लिखा है, किसके लिए लिखा है, कैसे क्या है ना। नंबर 2, आपको उस वाइब में कैसे जाओगे आप उसके बाद, मतलब म्यूजिक के बारे में आपको पता कैसे चलेगा, आप उस वाइब के आपको गाने सुनने, कम से कम 3, 4, 5 जितना आपका मूड हो उतने गाने सुनो, उसके बाद एक आइडिया लग जाए आपको, आप उस वाइब में ऑटोमेटिकली चले जाओगे। जब आप उसके उस टाइप के आप म्यूजिक सुनोगे, उस टाइप के आप गाने सुनोगे तो चले ही जाओगे भाई, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको अप्रोच पता चल जाए, अप्रोच नहीं तो अंदाजा लग जाएगा कि क्या चीज़ कॉमन रही भाई सभी गानों में। मैं बताता हूँ, जैसे कि कोई डांस टाइप सॉन्ग है, आपने बहुत सारे गाने सुने बैंगर टाइप, उनमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि उनमें जो हमारे प्लक साउंड है वो चीज़ कॉमन होती है मोस्टली। ऐसे करके आप हर में पता चल जाएगा भाई आपको अप्रोच, ठीक है। नंबर 3, आप सैंपल यूज़ कर सकते हो। पहली बात तो भाई मैं ये नहीं कह रहा कि सैंपल यूज़ करना कोई गलत बात है या फिर सही है, लेकिन अगर आपके मन में है आपको प्रोडक्शन करनी है तो भाई आप प्रोडक्शन सीख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं भी सीख रहा हूँ, हर कोई सीख रहा है। स्टार्टिंग में आपको गाना बनाना है, आप लिरिसिस्ट हो, वोकलिस्ट हो, समझ नहीं आ रहा लेकिन बस आपको गाना बनाना है, तो आप सैंपल यूज़ कर सकते हो। रॉयल्टी फ्री भाई यूट्यूब पर और गूगल पर मिल जाएंगे, आप चाहो तो मैं वीडियोज़ बना सकता हूँ। और आपको अभी मैं बता देता हूँ कि आप YouTube पर सर्च करना रॉयल्टी फ्री, आपको पता चल गया आपका गाना है की वाइब सैड है, तो सैड रॉयल्टी फ्री सैंपल पैक डाउनलोड कर लिया। ड्रम तो खैर हर कोई बना लेता है, लेकिन अगर ड्रम भी नहीं बना सकते हो तो भाई लूप यूज़ कर सकते हो। उनको बस आपको, उनके लिए बता रहा हूँ भाई जिनको बस अपना गाना बनाना है, वोकलिस्ट है, लिरिसिस्ट है और उनका प्रोडक्शन करने का ज़्यादा मन नहीं हो, या फिर स्टार्टिंग में बस आपको अपना गाना बनाना है, ठीक है, कोई आइडिया लेने के लिए, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनको आप इजीली, आप चाहो तो मैं बना सकता हूँ उस पर वीडियोस के कहाँ से डाउनलोड करने, कैसे डाउनलोड करने, कैसे यूज़ करने, ठीक है। वन शॉट यूज़ कर सकते हो, वन शॉट तो खैर थोड़ा आपको नॉलेज होनी चाहिए तब यूज़ कर सकते हो, वो हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और भाई 4था जो हमारा पॉइंट है वो ये, आप अगर सैंपल यूज़ नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उस लेवल पर आ चुके हो कि आपको कोई थोड़ा सा समझा दे और आप बना लोगे म्यूज़िक, उस टाइप का नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो सिमिलर बना ही लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, मतलब मेन चीज़ है। तो आप यूट्यूब पर सर्च करो, आपको पता चलेगा कि आपका गाना सैड टाइप है, तो हाउ टू मेक सैड हिप हॉप बीट विद स्टॉक प्लगइन इन FL स्टूडियो, एबल्टन, क्यूबेस, आप जो भी यूज़ कर रहे हो ऐसे बना सकते हो भाई, ठीक है। उसके बाद भाई नंबर 5 पर जो हमारा पॉइंट है वो, अब या तो आप यूट्यूब की बीट यूज़ कर सकते हो या फिर आपने जो म्यूज़िक बना लिया है अपने गाने का उस पर ही रिलीज़ कर दो यार। ये मत सोचो भाई कि ये क्या होगा वो क्या होगा, बिगिनिंग लेवल पर एक चीज़ मैंने कहीं सुनी थी भाई, आपको बताता हूँ मैं, बिगिनिंग लेवल पर आपको क्वालिटी पर रखना है लेकिन उतना नहीं, मेन फोकस आपको क्वांटिटी, बिल्कुल बिगिनिंग में जब शुरुआत कर रहे हो आपको तभी भाई एक आइडिया बन पाएगा, आपकी जो विज़न है ना वो थोड़ा वाइड हो पाएगा। तो ऐसा है भैया, तो फिर उसके बाद आप अपने म्यूज़िक पर रिलीज़ कर सकते हो उसको, नहीं तो फिर यूट्यूब की बीट पर फ्री फॉर प्रॉफिट बीट मिल जाती है। वरना मैं तो बोलूँगा कि भाई खुद ही सीख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी सीख ही रहे हैं, कोई वहाँ से सीख के नहीं आए, सब यहीं पर आके सीखें। प्रैक्टिस, टाइम, सेक्रीफाइस, ये 3 चीज़ मांगती है भाई सक्सेस, बाकी भाई कोई दिक्कत नहीं। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप बता सकते हो। लव यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ, है ना।